नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मसाज सेंटर और स्पा सेंटर, लोग यहाँ जाते तो थे दो पल के चैन के लिए, अपनी थकावट दूर करने के लिए, सारी टेंशन को दूर भगाने के लिए, पर वहाँ होता था कुछ और, कुछ ऐसा जो समाज को मंजूर नहीं, वो काम जो रजामंदी से किया जाना चाहिए, पैसों में तोलकर नहीं, वो काम जो कानूनी अपराध है। जी हाँ, स्पा सेंटर के आड़ में चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा, जहाँ लड़कियों के जिस्म की कीमत लगाई जाती थी, और जब पुलिस पहुंची तो हिमाकत देखे इन स्पा सेंटर वालों की, पुलिस को ही लताड़ने लगे। वो कहते हैं ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। शायद ये भूल गए कि ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस जो इन दिनों खाकी का धर्म बखूबी निभा रही है, और ऐसे में ये लोग भूल गए कि वो यूपी की राजधानी में एक गंदा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने शनिवार शाम इंदिरा नगर और गाजीपुर क्षेत्र के पौश इलाके में संचालित 6 सैलून और स्पा सेंटर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि सैलून और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। बता दें कि दो क्षेत्रों में छापेमारी की गई। गाजीपुर क्षेत्र में ईश्वरपुरी सेक्टर 12 के अमाया हेवन सैलून एंड स्पा सेंटर में, ओम प्लाजा इंदिरा नगर सेक्टर 19 के दो स्पा सेंटर जस्ट हेवन सैलून और द माउंटेन सैलून एंड स्पा सेंटर में, वो इंदिरा नगर क्षेत्र के इंदिरा नगर खुर्रम नगर के द स्टाइलिश सैलून एंड स्पा सेंटर और पर्पल ऑर्चिड सैलून एंड स्पा सेंटर में छापेमारी की गई। इसके साथ ही इंदिरा नगर के ब्यूटी एंड माइंड सैलून एंड स्पा सेंटर में छापेमारी की गई। इन नामों पर मत जाइए, बड़े बड़े अंग्रेजी नाम पर काम उतने ही गंदे। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर कर्मचारियों समेत आपत्तिजनक स्थिति में मिले 15 युवक और 20 युवतियों को गिरफ्तार किया। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह के निर्देशन में एसीपी महानगर योगेश कुमार, इंदिरा नगर के इंस्पेक्टर अजय त्रिपाठी, गाजीपुर के इंस्पेक्टर प्रशांत मिश्रा, गुंडबा फरीद के इंस्पेक्टर अहमद, विकास नगर के इंस्पेक्टर और महिला पुलिस समेत 8 टीमों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इंदिरा नगर के स्टाइलिश सैलून एंड स्पा सेंटर, ब्यूटी एंड माइंड, गाजीपुर के जस्ट हेवन और द माउंटेन में मैनेजर और कर्मचारियों ने पुलिस को रौब में लेने की कोशिश की। पुलिस को धमकाने लगे, ऊंची पहुंच का हवाला दिया, पर ये शायद भूल गए कि इन दिनों यूपी पुलिस फॉर्म में है। अच्छे अच्छे अपराधियों को यूपी पुलिस पानी पिला चुकी है, ऐसे में इन कोरी धमकियों का क्या ही असर होगा। पुलिस को धमकी मिली तो वो भी एक्शन में आ गई। इसके बाद भारी पुलिस बल मंगाकर सभी को पुलिस अधिकारियों ने डपटा और आनन फानन में गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। अब वहां जाकर इनकी अकड़ तोड़ी जाएगी और अकल भी ठिकाने लाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मौके से 2,58,000 रुपए, दर्जनों मोबाइल फोन, दवाइयां और भारी मात्रा में आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई है। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह ने बताया कि सभी पकड़े गए लोगों और संचालकों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। फरार संचालक आयुष समेत अन्य की तलाश की जा रही है, जबकि द माउंटेन सैलून की महिला संचालिका पुलिस गिरफ्त में है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई लड़कियां लखनऊ समेत पड़ोसी जिलों की हैं। वहीं सभी लड़के लखनऊ निवासी ही बताए जा रहे हैं। एडीसीपी ने स्पार से रजिस्टर जब्त किए हैं। इस रजिस्टर में बहुत से लोगों के नाम और नंबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत से राज खोल सकता है। पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ में ये भी पता लगाया जा रहा है कि वहां कौन कौन आता था, उनसे भी बाद में हिसाब होगा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। इस काले धंधे के बारे में दबिश में शामिल अधिकारियों ने बताया कि स्पा सेंटर से आम लोगों के मोबाइल पर पहले एक मैसेज किया जाता था, कभी कभार मिस कॉल भी ये लोग देते थे। इसके बाद जब ग्राहक का फोन आता तो मसाज के 2,000 रुपए तय होते थे। इसके बाद आगे की सुविधा के लिए 3 से 5 और 8 से 10 हजार तक की युवतियों के रेट तय होते थे। स्पा सेंटर में ग्राहकों के पहुंचते ही कोड वर्ड में हाफ और फुल मसाज के रेट तय होते थे। हाफ के 2,000 और फुल के 4 से 5 और 6 से 10 हजार रुपए होते हैं। इसके बाद युवतियों के एल्बम से फोटो दिखाई जाती थी, कुछ की मोबाइल से फोटो दिखाई जाती थी, फिर केविन नुमा कमरे में युवतियों के साथ भेज दिया जाता था। तो इस तरह से ये पूरा गेम खेला जाता था, और ये सब हो रहा था नवाबों के शहर लखनऊ में। और जो लोग ये कर रहे थे, अब उनकी नवाबी यूपी पुलिस झाड़ेगी और सिखाएगी सामाजिकता का पाठ। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।